सुजानगढ़ शहर की दूलिया तलाई में 24 घंटे पानी की निकासी किए जाने की मांग पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी से की। वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल खान कायमखानी ने आयुक्त को बताया कि पिछले 2 सालों से तलाई पर 2400 घंटे कर्मचारी की ड्यूटी कागजों में ही चल रही है, उसके बाद भी लगातार पेमेंट उठ रहा है, जबकि मौके पर पंप कभी कभी चलाया जाता है, कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं मिलता है। इस पर लेखाधिकारी भवनलाल मेहरणा ने कहा कि नगर परिषद ने 3 महीने से इस ठेकेदार का पेमेंट रोक रखा है। इस पर पार्षद इकबाल खान ने कहा कि 2400 घंटे वहां से पानी की निकासी की व्यवस्था की जावे, जिस पर आयुक्त मघराज डूडी ने समस्या के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार सीवरेज के बारे में पार्षद इकबाल खान ने बताया कि मेरे वार्ड में किसी भी घर में सीवरेज का कनेक्शन नहीं किया गया है, जबकि कंपनी कागजों में सीवरेज कनेक्शनों को चालू बता रही है। इस पर आयुक्त ने कहा कि इसकी आप अलग से शिकायत दीजिए, जांच करवाकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पार्षदों ने सीवरेज कार्य को लेकर काफी सारे बिंदुओं से युक्त शिकायत आयुक्त को सौंपी और मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पार्षद सफी मोहम्मद, मास्टर दाऊद काजी, पार्षद सलीम खान गाजी, पार्षद आसिफ खान नसवान, जावेद खिची, साबिर खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वार्ड पार्षद इसलिए परेशान है कि सुजानगढ़ में जो फर्स्ट फेज सीवरेज का आया था उसका 95% पेमेंट विधायक जी के दबाव में आकर सभापति ने कर दिया है। रोड सड़क नाली विधायक जी के दबाव में आकर सभापति ने जो पेमेंट कर दिया है। पूरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का सिस्टम बना हुआ है और इसकी कोई देखरेख नहीं है, अभी सारा भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका। किस प्रकार का दबाव बनाने के आरोप लगा रहे हैं? ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया है, ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया है तो वो काम फिर कैसे करेंगे? और कनेक्शन ये कह रहे हैं कि 100% हमने कनेक्शन कर दिए हैं फर्स्ट पेज में, जबकि धरातल पे इन्होंने 50% ही कनेक्शन नहीं किए हैं। तो हमारे वार्ड में दूलिया तलाई के बाद जो पंप हाउस है उसकी काफ़ी लंबे टाइम से समस्या चल रही थी और आज भी वो समस्या वैसी की वैसी है। ठेकेदार पंप नहीं चला रहा है, उसके बावजूद ठेकेदार को पेमेंट दे देते हैं और धरातल पर व्यवस्था वैसी है, उसके समाधान के लिए दूसरा हमारा सीवरेज है जो सुजानगढ़ हमारे वार्ड नंबर होलीदुरा 40 से सबसे पहले सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर आज भी सिंगल कनेक्शन नहीं हुआ है, ना ही गोष्ठी भी चालू हुई है। कागजों में इन्होंने सारे कनेक्शन कर दिए और लोगों के घरों से डॉक्यूमेंट तो ले लिए, उनको फाइलों में चढ़ा दिया, कनेक्शन धरातल भी हुए नहीं है और ना कोई पाइपलाइन का ठिकाना है, ना कोई स्टीप का ठिकाना है, ना कनेक्शनों का ठिकाना है। और नगर पीसी से ये लोग 95% पेमेंट ले चुके हैं, जबकि कोई देखने वाला नहीं है और उसके बाद सारा उसका पेमेंट हो चुका है और उसी जाँच के लिए हमने आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया है। अगर 4-5 दिनों में वो समस्या का समाधान करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सुजानगढ़ शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को दिन दहाड़े पुराने बस स्टैंड से एक युवक हीरो की बाइक उठा ले गया। भंवरलाल जाखड़ निवासी झंवर स्कूल के पीछे नया बास सुजानगढ़ ने बताया कि मंगलवार की दोपहर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पुराने बस स्टैंड के विश्रामालय के पास खड़ी की थी। लगभग 1 बजे मुंह पर कपड़ा बांध कर आया हुआ एक युवक उसे उठा ले गया। घटना वहां लगे CCTV में भी कैद हो गई। सुजानगढ़ में लायंस क्लब एवं शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर व हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से 15वें नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन मेसरी सेवा सदन में किया गया। क्लब सचिव प्रशांत पारिक ने बताया कि क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, उपाध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी, भामा शाह एवं क्लब सदस्य पवन मोसून, शंकरा आई हॉस्पिटल की डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन करके शिविर का उद्घाटन किया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कैंप का अवलोकन किया और क्लब की सेवा भावना और व्यवस्था को देखते हुए क्लब सदस्यों को साधुवाद प्रकट किया। शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम ने 160 लोगों का परीक्षण किया एवं 77 रोगियों का ऑपरेशन हेतु चयन किया। लॉयंस क्लब द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर का 15वां शिविर है। शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम यहाँ आई है और जिला अंतर निवारण समिति और हितेश ज्वेलर के आर्थिक सौजन्य से ये कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी आंखों की जांच होती है, उसके बाद उनकी बीपी और शुगर की जांच होती है और उनमें से जो पेशेंट मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फिट होते हैं उनको जयपुर ले जाया जाता है। वहाँ पर उनका ऑपरेशन करके अगले दिन वापस उनको शंकरा आई हॉस्पिटल की बस के द्वारा ही सुजानगढ़ भेज दिया जाता है। ये सारी व्यवस्था लॉयंस क्लब सुजानगढ़ द्वारा की जाती है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि अब तक तकरीबन 700 ऑपरेशन हो चुके हैं और सारे के सारे एकदम सक्सेसफुल हैं और 2000 के आसपास अब तक
पेशेंट्स की जांच की जा चुकी है और यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा।